तो हमें पिछले कुछ समय में बहुत सारी क्वेरीज आई हैं और बहुत सारे सवाल आए हैं जियो फोन को लेके कि ये फ़ोन हमें कैसे मिल सकता है, ये फ़ोन कितने का मिलेगा, ये फ़ोन इफेक्टिवली कितने का पड़ेगा, इसके डेटा प्लान्स कैसे हैं, फीचर्स कितने हैं और किस तरीके के ऐप्स इसमें हैं और ये फ़ोन लेने लायक है भी कि नहीं। और ये हमारा एक एक्सक्लूसिव एपिसोड है फॉर द रिव्यू ऑफ द जियो फोन। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के दाम की और इस फोन को किस तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि ये दो जो क्वेरीज हैं सबसे ज्यादा हमें पूछी गई हैं। देखिए, अगस्त में इस फोन की जब प्री बुकिंग शुरू हुई थी तो दो दिन के अंदर अंदर 60 लाख बुकिंग्स आ गई थी इस फोन की, और उन बुकिंग्स की जो डिलीवरीज हैं वो अब अक्टूबर में जाके शुरू हो गई हैं। इस फोन की जो अब फर्दर बुकिंग्स हैं इस वक्त नहीं हैं अवेलेबल, पर हमें उम्मीद है कि दिवाली के बाद शुरू हो जानी चाहिए थी, पर अभी भी शुरू नहीं हुई है। तो आने वाले कुछ ही समय में इसकी प्री बुकिंग्स फिर से शुरू हो जाएंगी। प्री बुकिंग्स से शुरू होगा प्रोसेस आपको पे करके इस फ़ोन को रिसीव करने का, क्योंकि प्री बुकिंग के टाइम पे आप इस फ़ोन के लिए देंगे 500 रुपये और जब डिलीवरी आपको इस फ़ोन की मिलेगी तब आपको देने होंगे 1000 रुपये। तो इसका कुल दाम हो गया 1500 रुपये, और ये 1500 रुपये जो हैं 3 साल के बाद डिलीवरी लेने के, 3 साल के बाद जब आप इस फ़ोन को वापस लौटाएंगे अच्छी हालत में, डिसेंट हालत में, तब आपको वो 1500 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इस प्रोसेस के जरिए इसका जो इफेक्टिव प्राइस है फ़ोन का, दैट इज ₹0। अब ध्यान रहे कि जब आप इस फ़ोन को वापस करेंगे तो 3 साल के बाद फ़ोन की क्या हालत होगी इसका आपको अंदाज़ा अभी से ही लगा के चलना पड़ेगा, बिकॉज घटिया हालत में फ़ोन अगर आप वापस देंगे तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला है। टर्म्स एंड कंडीशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ध्यान रहे आपका कंडीशन जो है, जो फ़ोन की कंडीशन है, कीपैड की कंडीशन है, स्क्रीन की कंडीशन है, इस सारी की सारी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, तभी आपको उसका कैशबैक मिलेगा। इस फ़ोन के साथ आपको जो जियो सिम मिलेगा उसको आपको अपने आधार कार्ड से लिंक करवा के अपना डेटा प्लान एक्टिवेट कराना पड़ेगा और हर 90 दिन पे उस जियो सिम का आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी आप 3 साल के बाद एलिजिबल होंगे कैशबैक के। अब ये जो जियो सिम आपको इसके साथ मिलेगा, उसी के साथ साथ बॉक्स जो है फ़ोन का उसमें साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि ₹153 का एक प्लान है जो रिलायंस ने ऑफर किया हुआ है। अब ये ₹153 का जो प्लान है उसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, वॉइस और टेक्स्ट SMS अनलिमिटेड हैं, पर देर इज़ एन FUP जिसे कहते हैं फेयर यूसेज पॉलिसी। अब वो क्या है, उसके तहत 512 MB की लिमिट है आपके पास हर दिन के डेटा यूसेज की, तो आप अनलिमिटेड डेटा यूज़ करें पर हर दिन 512 MB से ज़्यादा आप नहीं यूज़ कर सकते एज पर दिस प्लान। अब ये जो जियो फ़ोन है, जियो फ़ोन में आपको जितने भी जियो के ऐप्स हैं वो इसमें ऑलरेडी सेट हैं, तो जो आपका जियो सिनेमा है, जियो TV है, जियो म्यूज़िक है, जियो वीडियो कॉल्स हैं, ये सारे के सारे ऐप्स जितने भी हैं जियो के, न्यूज़ के भी जो ऐप्स हैं वो सारे के सारे आपको इस फ़ोन में इनबिल्ट होंगे। जियो TV फॉर एग्जांपल, अगर आप जियो TV पे चलाएं तो आपको ढेर सारे चैनल्स हैं इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो आपको जियो TV के ऐप के ज़रिए आपको एक्सेसिबल होंगे, उनको आप ऑन करिए और बिल्कुल HD प्रिंट में भी ये जो चैनल्स हैं आपके फ़ोन में, आपके जियो फ़ोन में आप देख सकेंगे। इसके अलावा जो जियो वीडियो कॉल्स का जो ऐप है उसमें कोई भी इंसान जो आपके जियो चैट में आपका फ्रेंड है उसके साथ आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं जियो वीडियो कॉल के ऐप के जरिए। इसमें आपको जियो सिनेमा भी मिलता है, बिकॉज जियो सिनेमा में देर आर लॉट ऑफ मूवीज विच आर अवेलेबल और उन मूवीज़ को आप बड़े आराम से इस पे आप देख सकते हो, और जियो एक्सप्रेस का ऐप भी है जिसके ज़रिए आप अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, वो सारे के सारे इस फ़ोन में आपको साथ ही इनबिल्ट मिले। अब इन सारे फीचर्स के अलावा इसमें एक और फीचर है कि आपका जो जियो का फ़ोन है उसको आप अपने TV के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए एक अडैप्टर चाहिए होगा, वो अडैप्टर आपको फ़ोन के साथ नहीं मिलता है, उसको आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, और ख़रीदने के बाद भी एक ₹309 का प्लान है वो अलग से इस पर लागू होगा, तभी आप अपने जियो के जो ऐप्स हैं उनको आप TV पे एक्सेस कर पाओगे। जितने भी TV चैनल्स हैं और मूवीज़ हैं आप फ़ोन पे देख सकते हो, उन्हीं को आप TV पे देख पाओगे, बट उसके लिए आपको अडैप्टर और वो डेटा प्लान दोनों अलग से लेने होंगे। अब बात करते हैं इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। देखिए, ये जो फ़ोन है इसकी पूरी एक प्लास्टिक बॉडी है, बट प्लास्टिक बॉडी के हिसाब से इसका जो वेट है बिल्कुल लाइट वेट नहीं है, इट इज़ डिसेंट, मतलब हाथ में पकड़े हुए ग्रिप आपको अच्छी मिलेगी। जो इसकी स्क्रीन है दैट इज़ 2.4 inches। स्क्रीन जो है इट इज़ नॉट वेरी वेरी रिफ्लेक्टिव, कई स्क्रीन होती है जिन पर लाइट पड़े तो बिल्कुल वापस लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा इसमें नहीं है, एंड ब्राइटनेस इज डिसेंट, आपको डे लाइट में भी आराम से हर चीज़ नज़र आएगी। इसके अलावा T9 अल्फा न्यूमेरिक कीपैड आपको इसमें मिलेगा, और इस फ़ोन में माइक भी इनबिल्ट है, बिकॉज इस माइक के ज़रिए आपका एप्लीकेबल होगा जियो का वॉइस रिकॉग्निशन का ऐप है दैट इज़ विद इन द फ़ोन, क्योंकि इस फ़ोन में आप
वॉइस कमांड से भी इस फोन को एक्सेस कर सकते हो, अलग अलग ऐप्स को खोल सकते हो और कॉल करने का भी कमांड दे सकते हो और SMS करने का भी कमांड दे सकते हो अपने किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट के जने को। फोन जो है वो ऑपरेट करता है 512 MB के रैम पे, इसमें 4 GB की इंटरनल स्टोरेज है और उस 4 GB को आप 128 GB तक एक्सपैंड कर सकते हो। फोन सिंगल सिम को ही ऑक्यूपाई करेगा और इसमें सिर्फ जियो सिम ही लागू होगा। इसके अलावा जो इसके कैमराज हैं उसमें सामने आपको मिलेगा सेल्फीज के लिए 0.3 MP का कैमरा और पीछे की साइड पे आपको मिलता है 2 MP का कैमरा जिसमें आपको फ्लैश नहीं मिलेगा। कैमरा के साथ ही छोटा सा इसमें स्पीकर दिया हुआ है। देखिए जो कैमराज हैं, अब कैमरा के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, 2 MP और 0.3 MP का आप क्या ही रिव्यू करोगे, बट पॉइंट इज दैट इट इज़ अ फीचर फोन। ये एक फीचर फोन है जिसमें 4G है और इस फीचर फोन में इन्होंने कैमराज भी दिए हुए हैं, तो कुछ भी वीडियो कॉलिंग या बेसिक फोटोग्राफ लेने के लिए वो काम आएगा, उससे ज़्यादा आप इसमें से कोई उम्मीद ना रखें। इसमें आप ध्यान रखें कि जो जियो फोन है उसमें हॉटस्पॉट का ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप ये सोचें कि आप एक फ़ोन जियो फोन रख लें और उसमें आपके पास अनलिमिटेड डेटा हो और उसका हॉटस्पॉट बना के दूसरे फोन में नेट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, इसमें वो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। इसके अलावा ध्यान रहे हमेशा कि इसमें जब आप क्रिकेट मैच देख रहे हो या आप कोई मूवी देख रहे हो या आप न्यूज़ देख रहे हो, फुल ऑन कोई वीडियोस चल रहे हैं इस डिवाइस पे, तो इन सारे चीज़ों में डेटा बहुत यूज़ होता है और आपका भले अनलिमिटेड डेटा हो पर दिन का अगर 512 MB की कट ऑफ है तो वो 512 MB जो है इस तरीके के वीडियोस या क्रिकेट मैचेस देखने में बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा अनुमान ये है कि इस फ़ोन का भले कॉस्ट ज़्यादा ना हो पर डेटा में और डेटा प्लान्स में आपका खर्चा ज़रूर आएगा। और लास्टली जो एक चीज़ है ध्यान में रखने वाली, जब बाकी सारी चीज़ें इस फ़ोन की अच्छी हैं डिसेंट हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ फीचर फ़ोन और फीचर फोन का मतलब है इसमें व्हाट्सएप नहीं चलता। और आज के दिन में व्हाट्सएप, अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं है तो बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती है, हर कोई व्हाट्सएप पे डिपेंडेंट है और व्हाट्सएप इस फ़ोन में नहीं है। बट इनका कहना ये है रिलायंस की तरफ से, यही हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है अलग अलग सोर्सेज से, कि व्हाट्सएप इसमें बहुत जल्द आने वाला है बट एज ऑफ टुडे इसमें नहीं है। तो ये थे मेजर क्वेश्चंस और डाउट्स जो लोगों को थे इस फ़ोन के बारे में। हमने लगभग हर चीज़ को कैटर करते हुए आपको हर चीज़ का जवाब दिया है। इसके अलावा अगर आप इस फ़ोन के बारे में कुछ भी और जानना चाहते हो या टेक की दुनिया के बारे में कुछ भी और जानना चाहते हो तो प्लीज़ टेक तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लीव अ कॉमेंट अंडरनीथ द वीडियो, आस्क अस व्हाट यू वांट टू नो।